नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपके सामने जीके क्यूज ऑन 9 सितंबर 2020 इन हिंदी के डेली करंट प्रश्न लेकर के गाइज हाजिर हूँ। आज का हमारा फर्स्ट प्रश्न देखिए गाइज, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। गाइज हमारे पास में चार ऑप्शन है, फर्स्ट जयपुर, सेकेंड पुणे, थर्ड कोलकाता, फोर्थ चेन्नई। तो गाइज हमारा राइट आंसर है फर्स्ट जयपुर। राजस्थान के जयपुर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। इस प्रतिष्ठित गेट का निर्माण जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर समाचार पत्र समूह पत्रिका ने कराया है, साथ ही दो पुस्तकों का विमोचन भी किया है। तो गाइज हमारा राइट आंसर है फर्स्ट जयपुर। प्रश्न नंबर सेकंड देखिए गाइज, विश्व के मशहूर रेडियो एस्ट्रोनॉमी वैज्ञानिक प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो गाइज हमारा राइट आंसर है थर्ड 91 वर्ष की उम्र में। गाइज विश्व के मशहूर रेडियो एस्ट्रोनॉमी वैज्ञानिक प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का हाल ही में 91 वर्ष की उम्र में क्या हो गया है, निधन हो गया है। वह रेडियो खगोल शास्त्र के जाने माने वैज्ञानिक थे। उनके निधन पर पीएम ने कहा कि प्रोफेसर गोविंद स्वरूप असाधारण वैज्ञानिक थे, उनका रेडियो खगोल शास्त्र के क्षेत्र में किए गए कार्य ने उन्हें दुनिया में पहचान दिलाई है। तो गाइस हमारा राइट आंसर है थर्ड 91 वर्ष की उम्र में है जो मशहूर रेडियो एस्ट्रोनॉमी वैज्ञानिक जो प्रोफेसर गोविंद है उनका हाल ही में है जो निधन हो गया है। प्रश्न नंबर थ्री देखिए गाइज, आरबीआई ने किसे अपने बैंक का एमडी और सीईओ बनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। तो गाइज हमारा राइट आंसर है सेकेंड मुरली रामकृष्ण। जी हाँ गाइज, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व वरिष्ठ महाप्रबंधक मुरली रामकृष्ण को अपने बैंक का एमडी और सीईओ बनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। उन्हें अब 1 अक्टूबर 2020 से 3 वर्ष के लिए आरबीआई का एमडी और सीईओ नियुक्त किए जाने की मंजूरी दे दी गई है। तो गाइस हमारा राइट आंसर है सेकंड मुरली रामकृष्ण को। प्रश्न नंबर फोर देखिए गाइस, एक्टर आयुष्मान खुराना को किस जीवन बीमा कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो गाइस हमारा राइट आंसर है थर्ड बजाज आलियांज। गाइस एक्टर आयुष्मान खुराना को बजाज आलियांज जीवन बीमा कंपनी ने अपने उत्पादों के साथ साथ बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की डिजिटल सेवाओं का प्रचार करने के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो गाइस हमारा राइट आंसर है थर्ड बजाज आलियांज। प्रश्न नंबर फाइव देखिए गाइस, पिच की इंडियन इकाई इंडिया रेटिंग्स ने भारत के जीडीपी की ग्रोथ घटने का अनुमान 5% से बढ़ाकर कितने फीसदी कर दिया गया है। तो गाइस हमारा राइट आंसर है फोर्थ 10.5%। जी प्रश्न नंबर सिक्स देखिए गाइज, सीबी इनसाइट्स के द्वारा जारी विश्व के सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप की टॉप 10 लिस्ट में चाइना की किस कंपनी को पहला स्थान मिला है। तो गाइज इसमें हमारा राइट आंसर थर्ड बॉय डांस। जी हाँ गाइज, सीबी इनसाइट के द्वारा जारी विश्व के सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप की टॉप 10 लिस्ट में चाइना की बॉय डांस कंपनी को पहला स्थान है जो मिला है, जबकि टॉप 10 में शामिल 6 कंपनियों में से 3 अमरीकी हैं और 3 चाइना की हैं, और भारत की एकमात्र कंपनी है जो 197 कम्युनिकेशन पेटीएम को 9वां स्थान मिला है। तो गाइज हमारा राइट आंसर है थर्ड बॉय डांस। प्रश्न नंबर 7 देखिए गाइज, भारत के किस शहर की निसारी महेश ने महिलाओं के लिए भारत का पहला वन स्टॉप फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो गाइज हमारे पास में 4 ऑप्शन है, फर्स्ट कोलकाता, सेकंड चेन्नई, थर्ड दिल्ली, फोर्थ मुंबई। तो गाइज हमारा राइट आंसर है सेकंड चेन्नई। चेन्नई शहर की निसारी महेश ने महिलाओं के लिए भारत का पहला वन स्टॉप फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो कि वित्त की सही योजना बनाने में मदद करता है। वह इस प्लेटफॉर्म के द्वारा औरतों को वित्तीय रूप से साक्षर बनाना चाहती है। निसारी महेश अभी महिलाओं के लिए फाइनेंशियली अवेयरनेस वर्कशॉप सीरीज चला रही है। तो गाइस हमारा राइट आंसर है सेकंड चेन्नई।
प्रश्न नंबर 8 देखिएगा जी, तेलुगु सिनेमा के पॉपुलर एक्टर जयप्रकाश रेड्डी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो गाइस तेलुगु सिनेमा के पॉपुलर एक्टर जयप्रकाश रेड्डी का हाल ही में 74 वर्ष की उम्र में जो निधन हो गया है। उनके निधन पर तमिल और तेलुगु सिनेमा से बॉलीवुड में आई रकुल प्रीत सिंह ने शोक जताया है। जयप्रकाश रेड्डी ने नरसिम्हा नायडू, आनंदम, निजाम, कबड्डी कबड्डी, चिन्ना, धर्मपुरी, किंग, किक, बिंदास, गब्बर जैसी फिल्मों में कार्य किया है। तो गाइस हमारा राइट आंसर है फर्स्ट 74 वर्ष। प्रश्न नंबर 9 देखिए गाइस, सेरेना विलियम्स यूएस ओपन में ग्रीस की मारिया सक्कारी हराकर आर्थर एस स्टेडियम में कितने मैच जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। तो गाइस हमारा राइट आंसर है थर्ड 100 मैच। जी हाँ गाइस, अमेरिका की नंबर 8 सेरेना विलियम्स यूएस ओपन में ग्रीस की मारिया सक्कारी को 6-3, 6-7 और 6-3 से हराकर है जो 43 बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। और आर्थर एस स्टेडियम में जो 100 मैच जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। उनके बाद रोजर फेंडर ने यह सबसे ज्यादा है जो 77 मैच है जो जीते थे। तो गाइस हमारा राइट आंसर है थर्ड 100 मैच। प्रश्न नंबर 10 देखिए गाइस, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने किस देश पर ऑस्ट्रेलियाई कंपनी का खनन पट्टा रद्द करने पर 5.8 अरब डॉलर का है जो जुर्माना लगाया है। तो गाइस हमारे पास में चार ऑप्शन है, फर्स्ट जापान, सेकंड पाकिस्तान, थर्ड मालदीव, फोर्थ अफगानिस्तान। तो गाइस हमारा राइट आंसर है सेकंड पाकिस्तान। जी हाँ गाइस, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान पर ऑस्ट्रेलियाई कंपनी का खनन पट्टा रद्द करने पर 5.8 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है। पाकिस्तान ने जुर्माने के बाद इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने से कहा है कि वह अगर इतनी बड़ी रकम का भुगतान करता है तो कोरोना महामारी से निपटने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट से जुर्माना न वसूलने की अपील की है। तो गाइज इसमें हमारा राइट आंसर है सेकंड पाकिस्तान। अगर गाइज आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ में शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाना जिससे कि मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप रह सको मेरे से कनेक्ट। फिर मिलता हूं लेटेस्ट प्रश्नों के साथ में, जब तक के लिए नमस्कार।